इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुरादाबाद से रहने वाले, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे बात करने वाले लोग, पीतल के नगरी के लोग। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैरिज करना है या मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। एंड तक देखिएगा, आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं तो ऑब्वियसली आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और उत्तर प्रदेश के लिए जो लॉ है, जो गाजियाबाद में लॉ है वही मुरादाबाद में है, जो लखनऊ में है, जो प्रयागराज में है वही लॉ मुरादाबाद में भी है। यहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ईजी है। एक दिन में प्रोसीजर है कि आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि कोई भी कपल ये विचार करते हैं कि मुझे कोर्ट मैरिज करना है, तो कोर्ट मैरिज का प्रोसेस, जो अगर सेम रिलीजन में है तो बेस्ट प्रोसेस ये है कि पहले आप अपने रिचुअल्स के हिसाब से, यानी अपने धर्म के हिसाब से शादी कर लीजिए। यानी मुसलमान हैं तो निकाह कर लीजिए, हिंदू हैं तो आप हिंदू टेम्पल में या आर्य समाज में शादी कर लीजिए, या क्रिश्चियन हैं तो चर्च में आप मैरिज कर लीजिए। एक बार जब आप मैरिज कर लेंगे तो तहसील में मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, वहाँ पर आप अप्लाई करके मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेम डे में सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन मुरादाबाद में अलग अलग जो तहसील है, अलग अलग तहसील के मैरिज रजिस्ट्रार की प्रैक्टिस अलग अलग है। कई तहसील में तो ऐसा है कि वो 15-15 दिन और एक एक महीना भी रजिस्ट्रेशन में समय लगा देते हैं, और कई तहसील ऐसे हैं जो समय से एक ही दिन में मैरिज सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट के माध्यम से शादी करेंगे तो सब जगह एक ही दिन में आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, और आपका कोर्ट मैरिज कंप्लीट हो जाएगा, या शादी पहले से हो चुकी थी तो वो रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको अगर इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्पेशल मैरिज में जाएं, और स्पेशल मैरिज के माध्यम से आप शादी को कराएं। आप SDM या ADM के पास जाकर के इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। 30-60 दिन का आपको समय लगता है। इसके बारे में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, विटनेस की क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये सब कुछ अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते। तो एज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं, तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहाँ पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए ज़रूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका ID प्रूफ, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर ID हो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर आई कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए, और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है, कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा, और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे ऊपर होता है, और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे।
तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम तीन स्टेप्स में आपको प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं, जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है, और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।